गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और हमारे एमसीक्यूज हैं ज्योग्राफी की। तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर हमारा है थर्ड, ठीक है। चैप्टर जो सेकंड है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और हमें आप कौन सा चैप्टर करना है, चैप्टर थर्ड करना है, ठीक है। तो जो हमारी सेकेंड बुक है उसके एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, और अब हम करने जा रहे हैं जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है जनसंख्या संगठन, दिस इज द चैप्टर नंबर थर्ड। सबसे कम परिवर्तनशील अनुपात किस जनसंख्या वर्ग का होता है? तो कौन सी जनसंख्या वर्ग ऐसी है, वृद्ध वर्ग ऐसी है जो बड़ी एज की होते हैं, अबोव 59 ईयर्स, ठीक है, वो सबसे कम परिवर्तनशील जनसंख्या होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयु और लिंग पिरामिड से क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु और लिंग पिरामिड से आयु और जो लिंग की संरचना होती है, कितने मेल फीमेल्स हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये रिप्रेजेंट की जाती है कि एज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। लाइक एज जो 0 to 59 हम स्ट्रक्चर या 59 to above जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा का सारा जो है आयु लिंग पिरामिड पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक वर्ग कौन सा है, प्रौढ़ वर्ग है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बौद्धिकता पूर्ण व्यवसाय किस वर्ग में आते हैं? जो बौद्धिक पूर्ण व्यवसाय होते हैं वो किस में आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। ये आप अपने उनमें भी पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, उनमें आ जाएंगे आपके। और विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगर हैं, तो वो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिंग अनुपात, ठीक है। लिंग अनुपात का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, और 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है, आपको उसे डिफाइन भी करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लिंग अनुपात, लिंग अनुपात जब यहाँ पर अनफेवरेबल, ठीक है, विपरीत स्थिति होती है किसके लिए, फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी, स्त्रियों की जनसंख्या आएगी डिवाइडेड बाय पुरुषों की जनसंख्या, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। अब देखिए, चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? देखिए, जिसका क्या है, जो बेस है वो काफी चौड़ा है, ठीक है, और पतला होता शीर्ष, मतलब नीचे की तरफ उसकी चौड़ाई ज्यादा है और ऊपर क्या है, पतला होता हुआ शीर्ष है। इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है उस देश की, जो है वो बढ़ने लग रही है। ग्राफ पे कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, और ये आपका एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो जब बेस चौड़ा है इसका मतलब बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, जो कम आयु के व्यक्ति हैं वो ज्यादा हैं और ज्यादा आयु के व्यक्ति जो हैं वो कम हैं। ऐसी स्थिति बेटा ज्यादातर विकासशील देशों में होती है, क्योंकि विकासशील देशों में ही जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद देखिए, बच्चे, वृद्ध, सेवा मुक्त व्यक्ति, गृहिणियां, विद्यार्थियों को जनसंख्या के किस वर्ग में रखा गया है? तो उनको रखा गया है प्राश्रित जनसंख्या में। प्राश्रित जनसंख्या का मतलब क्या है, जो दूसरों पर निर्भर होती है। लाइक एज आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप बच्चे हैं, तो आप किस पर निर्भर हैं, अपने पेरेंट्स पर निर्भर हैं, इसीलिए आप किस पर चले जाते हैं, कौन सी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, प्राश्रित, जो दूसरों पर निर्भर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा संगठन नहीं प्रदर्शित करता है, प्रजननशीलता जो है वो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है। एशिया का कौन सा देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है? यदि हम सिर्फ एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं तो हाई ह्यूमन इंडेक्स जो है, मीन्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें जापान एक ऐसी कंट्री है जो एशिया कंटिनेंट में है और मानव विकास की श्रेणी में आता है। 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 में भारत की साक्षरता दर है वो कितनी थी, 18 थी, और जनसंख्या की आयु
संरचना का क्या अर्थ है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, ठीक है। आयु संरचना लाइक एज 0 to 15 ईयर्स, 15 to 59 ईयर्स, 59 टू अबोव, ठीक है। ये सारे के सारे उसमें विभाजित किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आयु वर्ग। ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या दर दिखलाने वाला कौन सा देश है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक है? ऋणात्मक का अर्थ क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है बल्कि घटने लग रही है, और इसी वजह से उस पॉपुलेशन को क्या बोला गया है? ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर बोला गया है। और ऐसी कौन सी कंट्री है? तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दिखलाने वाला देश जो है वो रशिया है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है, किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? पिरामिड के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में कौन सा देश है? तो जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में अफ्रीका है, और जननांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में कौन सा देश है? तो वो है चिली। जननांकीय संक्रमण की चौथी अवस्था में कौन सा देश है? वो है कनाडा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ वन मार्क्स के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है जो कृषि में लगी होती है या जो अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं लाइक एज मत्स्य पालन, मछलियों का जो पालन किया जाता है, इन सभी में जो है वो ज्यादातर गांव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सम्मिलित होती है। चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष, ये मैंने आपको वन मार्क्स में एमसीक्यूज में भी अभी कराया था कि जो विकासशील देश होते हैं उनका जो पिरामिड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि उसका चौड़ा आधार होता है और उसका शीर्ष जो है उसका अपर पोर्शन है वो कैसा होता है? पतला होता है। फिर उसके बाद देखिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को का क्या कहा जाता है? नगरीय जनसंख्या कहा जाता है बिकॉज दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, द्वितीयक और जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये भी आपने कर लिया है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। प्रासरित जनसंख्या वर्ग ऑलरेडी डन बाय यू, और किसी जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है, संकीर्ण मतलब काफी नीचे से कम है, ठीक है। और तो उसे उस जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी? बेटा उसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो काफी कम होगी, ठीक है, क्योंकि बर्थ जो है वो कम आयु के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफी कम है वहां की। किसी जनसंख्या में उच्च जन्म दर होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होगा? ये कहता है यदि बर्थ रेट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो लाइक एस कुछ ऐसा फिगर आपके सामने होगा, देयर इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। ट्रायंगुलर फॉर्म यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो दिस लुक लाइक ए ट्रायंगल एंड देयर इज द बर्थ रेट इज मोर देन एज कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी इसकी जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो क्या नाम है ज़्यादा कम इसकी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वह त्रिभुज के आकार का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी जनसंख्या में जन्म दर व मृत्यु दर समान होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होगा? तो वो होगा घंटे के आकार का, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जननांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में शामिल कोई एक देश बताएं, तो वो कौन सा है? चिली है। प्रति 100 व्यक्तियों के अनुपात में साक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? साक्षरता दर कहलाती है। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? चौड़े आकार का होता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का पिरामिड कैसा है? विस्तृत प्रकार का है। कार्यशील जनसंख्या बेटा कौन सी होती है? 50 to 59 ईयर्स होती है। और किस जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है? तो उस जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी? संकीर्ण है बेटा, नैरो है काफी, तो उसके हार्समान ऋणात्मक जनसंख्या होगी, जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होगी। और किसी जनसंख्या में उच्च जन्म दर होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होगा? विस्तारित होती जनसंख्या होगी। किसी जनसंख्या में जन्म दर व मृत्यु दर समान होती है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थिर जनसंख्या कहेंगे, नहीं तो वहां की जनसंख्या घट रही है और नहीं वहां की जनसंख्या बढ़
बढ़ने लग रही है, ना इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें इसे स्थिर जनसंख्या कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विच कैरी 2 मार्क्स ओनली। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम बताइए। तो 3 कारक कौन से हैं बेटा, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन रिपीटेड, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के 3 बड़े आयु वर्ग कौन से हैं। तो 3 आयु वर्गों में बनाया गया, डिवाइड किया गया है हमारी जनसंख्या को। एक तो वो जो बाल और तरुण हैं, जिनकी आयु 0 से 14 वर्ष है, जिनकी आयु 15 से 59 है। ठीक है, मतलब जो एक्टिव पॉपुलेशन, सक्रिय जनसंख्या का हिस्सा है, उसे क्या बोला जाता है, प्रौढ़ आयु वर्ग बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बेटा, वृद्ध आयु वर्ग, जो 59 टू अबो है, 60 से जो अबो हैं वो वृद्ध आयु वर्ग में सम्मिलित होते हैं। और जो बाल और तरुण आयु वर्ग है और जो वृद्ध आयु वर्ग है, वो किस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के किन 3 कारकों से होती है। जो नगरों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उसके बेटा एग्जैक्टली 3 रीजन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, प्राकृतिक वृद्धि द्वारा, एक तो वहाँ पर बर्थ रेट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल, कि कितने बच्चे वहाँ पर जन्म ले रहे हैं। नगरों की जनसंख्या के 3 तरीके बताने हैं कि किस वजह से नगरों की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसके रीजन क्या है, एक तो प्राकृतिक वृद्धि दर, मतलब बच्चे जो हैं, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, लोग गांव से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं, इसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू मैरिज, देयर आर ए लॉट ऑफ रीज़न, ड्यू टू फैसिलिटीज। ठीक है, तो गांव से नगरों की ओर जब लोग प्रवास करते हैं, तो नगरों की जनसंख्या बढ़ती है, और किसी ग्रामीण क्षेत्रीय को नगरीय घोषित हो जाने से, ठीक है, किसी ग्रामीण क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया है, नगरीय घोषित कर दिया गया है इसीलिए। अब उसके बाद जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, तो देखिए, जनसंख्या पिरामिड, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज HBSC मार्च 2017 और सेट डी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहां से देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन है। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, WM थॉम्सन और आर्थर लेविस ने किया था। देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो हम जनसंख्या पिरामिड का यूज करते हैं, तो इसका प्रतिपादन, इसका जो मॉडल है वो किसने रिप्रेजेंट किया था, WM और आर्थर लेविस ने इसका मॉडल रिप्रेजेंट किया था। इस पिरामिड में सबसे नीचे के आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या है। इस पिरामिड पर क्या है, सबसे नीचे के आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या है, जो महिलाओं को प्रदर्शित करती है, निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या पुरुष एवं महिलाओं को प्रदर्शित करती है, जो सबसे बड़ी संख्या है। क्रमशः घटते हुए आयु वर्ग पर चलते हैं, उच्चतम आयु वर्ग की जनसंख्या जो आकार में सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर प्रदर्शित होगी। जो ज्यादा आयु के लोग हैं वो पिरामिड पर कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट होते हैं और सबसे ऊपर प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार बनी आकृति पिरामिड की तरह होगी और यही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये क्वेश्चन। पिरामिड का यदि इसमें कोई फिगर होगा तो आई विल एक्सप्लेन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं उस फिगर के द्वारा आपको ये रिप्रेजेंट कर दूंगी कि जो जनसंख्या पिरामिड है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, लिंगानुपात, लिंगानुपात का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लिंगानुपात क्या होता है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। जब लिंगानुपात स्त्रियों की विपरीत स्थिति में होता है, तो स्त्रियों की संख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की संख्या ×1000। ठीक है, ये आपके टेक्सुअल्स क्वेश्चंस में भी ये दिया गया है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। यह भारत के संदर्भ में है, क्योंकि विभिन्न देशों में लिंग अनुपात की परिभाषा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे कैरी 3 और 2 मार्क्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो देखिए, यदि 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्लेन जस्ट ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है,
तो देखिए, विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, देखिए रीजन देख लेते हैं। विकासशील देश, आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का ले सकते हैं, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे विकासशील देश हैं। श्रीलंका का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आपके पड़ोसी देश हैं सभी के सभी। इनमें नगरीकरण जो है वो तेजी से बढ़ने लग रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इन देशों में भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हुए हैं। फलस्वरूप इन देशों के गाँव से लोग नगरों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। देखिये, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही होगा, औद्योगिकरण जैसे ही बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर क्या होंगे? अधिक उपलब्ध होंगे, ठीक है, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। एम्प्लॉयमेंट यदि लोगों को शहरों में मिलता है, नगरों में मिलता है, तो वो उसकी तरफ प्रवास करते हैं, और यदि वो वहां जाकर रहने लग जाते हैं, तो इससे जो है वहां की जनसंख्या पर फर्क पड़ता है, और वहां की जनसंख्या नगरीकरण किस लिए हो रहा है? क्योंकि गांव के लोग नगरों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन देशों के गांवों में जीवन के आवश्यक सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा और शिक्षा आदि का अभाव पाया जाता है। आप जनरली देख सकते हैं कि जो विलेजेस होते हैं उनमें, या जो गाँव के इलाके हैं वहां पर जैसे चिकित्सा की सुविधाएं वे शिक्षा की सुविधाओं का अभाव होता है, इसलिए अधिक से अधिक लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे इन देशों के नगरों के आकार में भारी वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयु संरचना पर मृत्यु दर के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो आयु संरचना पर मृत्यु दर के प्रभाव जो हैं वो निम्नलिखित हैं। किसी भी देश में निम्न शिशु मृत्यु दर होने पर वहां बच्चों की संख्या का अनुपात घट जाता है, ठीक है। देखिए, आयु संरचना में मृत्यु दर के प्रभाव क्या होंगे? यदि किसी भी देश में निम्न शिशु मृत्यु दर होने पर वहां बच्चों की संख्या का अनुपात घट जाता है। वृद्ध मृत्यु दर निम्न होने पर, यदि वृद्धों की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी, तो उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और बच्चों की संख्या कम हो जाती है। युवा व वृद्ध आयु वर्ग में मृत्यु दर कम होने पर उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या अनुपात बढ़ जाता है, और विकसित देशों में ऐसा ही होने लग रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, ठीक है। जिस भी बच्चे के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और लर्न कर सकता है। राइट डाउन करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका टेस्ट होगा, तो वो उस टाइम पे आपको ये सभी क्वेश्चन जो है वो लर्न होने चाहिए। देखिए, विकासशील और अल्प विकसित देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर जो है वो अधिक होती है। विकासशील या जो अल्प विकसित हैं, कम देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उन देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती है। इन देशों में स्त्रियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से निम्न स्तर तथा स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण स्त्री मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। देखिए, जो ऐसी कंट्रीज होती हैं जो अल्प विकसित हैं या क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश है, उन देशों में स्त्रियों की स्थिति जो है वो काफी दयनीय होती है, अच्छी नहीं होती है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उनका जो लेवल है वो काफी कम होता है, निम्न होता है, और स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण स्त्री मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। विकसित देशों में जीवन के सभी आयु वर्गों में पुरुष मृत्यु दर और स्त्री मृत्यु दर से अधिक है, फलस्वरूप पुरुषों की संख्या उत्तरोत्तर समाप्त हो जाती है। 95 वर्ष की आयु में तो प्रति 100 स्त्रियों पर केवल 50 ही पुरुष रह जाते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जैविक दृष्टि से स्त्रियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों से अधिक होती है, ठीक है। यदि हम काफी एज की बात करते हैं, ठीक है, 95 ईयर्स का यदि हम एग्जाम्पल लें, और उसमें हम देखें कि यदि 100 स्त्रियां हैं और 100 फीमेल्स उनके साथ कंसीडर किए जाएं, तो उसमें 100 स्त्रियों पे सिर्फ 50 मेल कैंडिडेट ही मतलब जीवित होते हैं। और इसका एक एग्जैक्टली रीजन यह भी हो सकता है, जैविक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जो फीमेल्स होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है वो उनकी काफी स्ट्रांग होती है, या ये कह सकते हैं कि पुरुषों से काफी अच्छी होती है, और इसी वजह से उनकी जो जीवन की प्रत्याशा है वो मेल कैंडिडेट के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में क्या अंतर है? तो उत्पादक देख लीजिए, उत्पादक जनसंख्या लाभदायक आर्थिक क्रियाओं में काम करती है, ठीक है। उत्पादक जनसंख्या क्या होती है? लाभदायक आर्थिक क्रियाओं में काम करती है। ऐसे लोगों के समुदाय को श्रमिक बल कहा जाता है। ये लोग स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ठीक है। आश्रित जनसंख्या
संख्या आर्थिक क्रियाओं में विशेष योगदान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के समुदाय को अश्रमिक बल कहा जाता है। ये लोग बेरोजगार होते हैं तथा श्रमिक लोगों पर आश्रित होते हैं। आश्रित जनसंख्या कौन सी होती है बेटा? जो दूसरों पर निर्भर होती है, ठीक है, जैसे कि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो जो श्रमिक वर्ग है उस पर ये निर्भर होते हैं। प्राय ये लोग कैसे होते हैं? बेरोजगार होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात तो बेटा ये सेवेंथ क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। चलो सिक्स क्वेश्चन करते हैं, विकासशील और ह्रासशील जनसंख्या में क्या अर्थ है? देखिए, विकासशील जनसंख्या में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। बर्थ रेट भी इतनी हाई होगी और मृत्यु दर भी इतनी होगी। लेकिन ह्रासशील जनसंख्या की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, ठीक है। क्या होती है? बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों उच्च होती हैं। जनसंख्या का पिरामिड का आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है, क्योंकि बर्थ रेट क्या है? हाइट है। और डेथ रेट यदि इंक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा आयु के व्यक्ति क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिससे जो उसका शीर्ष होगा, जो उसका टॉप होगा, वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। लाइक एज आपको ये फिगर मैंने काफी टाइम बना लिया है, जो ट्रायंगुलर शेप वाला होगा, ठीक है, वो विकासशील जनसंख्या का एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसमें ये कहता है जनसंख्या पिरामिड का आधार पतला तथा शीर्ष संकीर्ण होता जाता है। इसका आधार कैसा होगा? पतला होगा, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो काफी कम है, ठीक है। लिंग अनुपात का क्वेश्चन काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, इसे करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे लर्न कर लेना। और ग्रामीण जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई? गांव में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं हम? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। गाँव के लोग किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और जो जनसंख्या गाँव में निवास करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और ये लोग अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं, पशुपालन, खनन पर, मत्स्य पालन, संग्रहण पर, चीजों को इकट्ठा करते हैं, या जो कुटीर उद्योग होते हैं उन पर ये निर्भर करते हैं। गांव के लोग सरल होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं और सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो भावनात्मक होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे नगरीय जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब आपको ग्रामीण और नगरीय दोनों जनसंख्याओं की विशेषता का पता चल जाता है तो उसके बाद यदि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है तो वो भी आप इजीली यहां से कर सकते हैं, बता सकते हैं। और 3 मार्क्स में एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहां से? तो अब हम करेंगे यहां से कि नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या है। नगरों में रहने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? नगरीय जनसंख्या कहते हैं। जो जनसंख्या गांव में रहती है उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और नगरों में रहने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? नगरीय जनसंख्या कहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग एवं व्यापार होता है। और फिर जो सेकंड पार्ट क्या है, ये लोग अपनी आजीविका के लिए द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय जैसे कि विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवाओं आदि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, नगरीय लोगों के जीवन की तीव्र गति व संबंध बनावटी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? इनके फॉर्मल होते हैं, इनका जीवन जो होता है वो काफी फास्ट होता है और रिलेशंस जो है वो बनावटी होते हैं। और नगरीय जनसंख्या जो है वो व्यावसायिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन करते हैं हम, किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से उस देश के आर्थिक विकास के स्तर का पता कैसे लगता है? किसी भी देश की जनसंख्या व्यावसायिक संरचना को 4 भागों में बांटती है। किसी भी देश की जब हम जनसंख्या की बात करेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे कि उसकी जनसंख्या जो है वो 4 भागों में बटी हुई होती है। 4 भाग बेटा कौन से होते हैं? एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का स्तर उसकी कार्यशील जनसंख्या के आधार पर होता है।
जिस देश की जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में लगी होती है वह देश विकसित अवस्था में होता है। प्राइमरी सेक्टर में लगी होगी, प्राथमिक सेक्टर में लगी होगी तो वो देश कैसा होता है? विकासशील होता है। लेकिन यदि वहां की जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होती है तो फिर वहां की जनसंख्या, वहां वो कंट्री कैसी होगी? विकसित कंट्री होगी। ठीक है, जनसंख्या के घटते लिंग अनुपात की क्या कारण है? लिंग अनुपात जो है वो कम होता जा रहा है, फीमेल के फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली रीजन क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। पुरुष और स्त्री मृत्यु दर में अंतर होने के कारण लिंग अनुपात कम हो रहा है। ठीक है, दोनों की डेथ रेट में जो डिफरेंस है उसकी वजह से लिंग अनुपात कम हो रहा है। दिस इज अ नेचुरल फैक्टर। एंड स्त्री पुरुष के जन्म में अंतर होने के कारण भी लिंग अनुपात, इसमें नेचुरल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है और मनुष्य के द्वारा भी कोई फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। प्रवास भी लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, माइग्रेशन क्या है जो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन मैंने ना आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है और मैंने इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया था। लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको ये मार्क करवाया था और ये हमारा जो है हरियाणा बोर्ड में 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है तो आप लर्न कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आयु लिंग पिरामिड के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो तीन प्रकार होते हैं बेटा, एक विस्तारित होती हुई जनसंख्या, एक स्थिर हो जाती है और एक ह्रासमान जनसंख्या होती है जो डिक्रीज होने लग रही है, आप जिसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विस्तारित होती हुई जनसंख्या क्या होती है? यह विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड होता है जो कम विकसित देशों का प्रतिरूपी है। कैसा पिरामिड होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिभुजाकार होता है जो कम विकसित देशों का प्रतिरूपी है। और इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर बर्थ रेट क्या होती है, इसका आधार काफी चौड़ा होता है, इसलिए कम आयु के जो व्यक्ति हैं, कम आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या काफी ज्यादा होती है और इसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही होती है। और ऐसी कंट्रीज के एग्जाम्पल नाइजीरिया, बांग्लादेश और मेक्सिको है। स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड है उसे देख लेते हैं बेटा। इसकी जो शेप होती है वो घंटे के आकार की होती है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है और यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो लगभग समान है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक है, ह्रासमान जनसंख्या क्या है? इस पिरामिड का संकीर्ण आधार होता है, काफी कम होता है। ठीक है, और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है और यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो या तो शून्य होती है या फिर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो जापान है। और यदि यहाँ पर जो जनसंख्या है यदि वो वृद्धि दर जो है वो शून्य है तो वो स्थिर है और उसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो ग्रामीण लोग अपनी व्यवसाय संरचना, जीवन पद्धति, विचारों तथा दृष्टिकोणों से नगरों की जनसंख्या से भिन्न होते हैं। इनका काम अलग होता है, इनके जीवन पद्धति, इनके जीवन का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो भी अलग होता है। ये छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं और इनका आपसी संबंध जो है वो काफी घनिष्ठ होता है, अच्छा होता है। और ये लोग बड़े मकानों में रहते हैं तथा इन्हें आपसी संबंध क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। और इन लोगों का कार्य क्या होता है, ग्रामीण इलाकों के लोगों का कार्य क्या होता है, कृषि होते हैं। ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर में ये इन्वॉल्व होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में ये सम्मिलित होते हैं। और इनके प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि हो सकता है, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, संग्रहण या छोटे मोटे उद्योग धंधे हो सकते हैं। और ये लोग जो होते हैं बेटा वो ज्यादातर जो नगरीय जनसंख्या होती है वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर उद्योगों में, व्यापार के काम में, मतलब ऐसे जो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, गांव में बेटा सुविधाओं की कमी होती है, जैसे यातायात के साधन नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है। और शहरों में ये सभी सुविधाएं क्या होती हैं, काफी पर्याप्त होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 5,000 से कम है और नगरीय क्षेत्रों
क्षेत्रों की जनसंख्या क्या है, 5000 से अधिक है। ठीक है, तो हो गया ये क्लियर। चलिए ठीक है, आज आपने ये सभी क्वेश्चंस, मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए बेटा, 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इन 13 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं इस चैप्टर के, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे तो वो मैं आपको कल करवाऊंगी। 13 क्वेश्चंस आपके मैंने 3 मार्क्स के करवा दिए हैं, ठीक है, और 2-2 मार्क्स के मैंने आपके 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, वन लाइनर मैंने आपके 18 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, और टोटल मैंने आपको 17 क्वेश्चन किसके करवाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने आपको MCQs करवाए हैं, और आपको PDF जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके नंबर पर, वहां से आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यू क्लियर हो गया आपको इतना। और इसके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, सभी टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे।